आगे क्या हुआ? यहां से मरण कर कदाचित कुछ शुभ उपयोग के माध्यम से भावनात्रिक आदि में चला गया, तो उसके विषय में कहते देवगति में भावनात्रिक के दुख। कभी अकाम निर्जरा करे भावनात्रिक में सुर तन धरे, विषय चाह दावान लदयो मरत विलाप करत दुख सहो। कभी अकाम निर्जरा करे भवनात्रिक में शुर तन धरे, विषय चाह दावानल दहो मरत विलाप करत दुख सहो। भवनात्रिक क्या है? भवनात्रिक अर्थात भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देव, इन तीन को बोलते हैं भवनात्रिक। तो इस जीव ने कभी अकाम निर्जरा करी, अकाम निर्जरा था बिना इच्छा के की गई निर्जरा। जैसे आपको बहुत तेज भूख लगी है लेकिन खाने को कुछ नहीं मिला, तो अब जो आपने उपवास तो किया नहीं लेकिन भोजन भी नहीं मिला, तो जो कर्म उदय में आया वो झर गया, इसे कहते हैं अकाम निर्जरा। तो जो अकाम निर्जरा करी की, तो मरने पर भावनात्रिक भावनवासी यंतर और ज्योतिषी देवों में सुर तन धरे देव पर्याय को धारण किया। परंतु वहां क्या है? क्यों पूर्व का कोई अच्छा संस्कार नहीं है, सम्यक धारण किया नहीं है, तो वहां क्या होगा उस पर्याय में? विषय चाह, पांचों इंद्रियों की विषय रूपी चाह, विषयों की चाह रूपी दावानल भयंकर अग्नि में गयो जला, और विषयों की भयंकर अग्नि में जला। क्यों? इतना सुख पहले कभी नहीं देखा, देखते ही घबरा गया, विषयों की अभिलाषा जो अनंत अंतरंग में बनी हुई थी वाद सब अभिव्यक्त करने का मौका मिल गया, विषयों की चाह रूपी अग्नि में जलता रहा। जला मरत विलाप करत दुख सहो, और ऐसे ही सागरों पर्यंत की आयु 10,000 वर्ष से शुरू होती है और आगे आगे की उत्कृष्ट तक आयुओं को प्राप्त किया, मिनिमम 10,000 वर्ष की आयु पाई, उन पूरी आयु जब पूर्ण हो गई तब विचार करता है। क्या विचार करता है? जब अंतिम 6 माह शेष रहे, माला मुरझाने लगी और उसे लगा कि अब मेरी पर्याय समाप्त तो हो रही है। देवों के जन्म से ही उनके गले में एक माला होती है जिसे कहते हैं मंदार माला। जब आयु के अंतिम 6 माह शेष रहते हैं तब वह माला अपने आप मुरझाने लगती है, उसकी चमक कम होने लगती है। तब उस देव को याद आया, अरे मैं अब इस पर्याय को छोड़कर जा रहा हूं, घबरा गया, बहल गया, दहल गया। वो क्या कर रहा है? मरत विलाप करत दुख सहो, मरते समय विलाप करत रो रो कर दुख को सहो सहन किया, महान दुखों को सहन किया। कभी जीव ने अकाम निर्जरा की तो मरकर भवनवासी यंतर और ज्योतिषी देवों में से किसी एक प्रकार के देव का शरीर धारण किया, परंतु वहां भी पंचेंद्रिय विषयों की चाह रूपी भयानक अग्नि में जलता रहा और मरते समय रो रो कर दुखों को सहन किया। और यदि कदाचित कभी वैमानिक देव बन गया तो
तो उसकी स्थिति को बतला कि वैमानिक देव बना तब भी उसकी स्थिति इसी प्रकार भयानक रही।